तो मध्य प्रदेश में हॉकी खेल की नर्सरी राजधानी भोपाल को कहा जाता है। इसी नर्सरी से एक बेटी ने शिक्षा लेकर आज देश का नाम हॉकी में रोशन किया है। आज भोपाल की बेटी खुशबू खान ने भारत की अंडर 23 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है वो, और 20 सदस्य टीम में शामिल होकर नाम देश और प्रदेश का रोशन किया है। लेकिन खुशबू का सफर मुश्किलों से कम भी नहीं है। भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस नर्सरी से कई बड़े जो प्लेयर हैं वो निकले हैं, और इन्हीं में से एक है भोपाल की वो बेटी जिसने भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का नाम सात समंदर पार भी रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं खुशबू खान की, जो जूनियर टीम में सिलेक्ट हुई है। खुशबू खान जहाँ एक ओर अपने प्रतिद्वंदी से लड़ती है तो वहीं दूसरी ओर राजधानी भोपाल में अपनी गरीबी से। देश में जितना क्रिकेट का महत्व है उतना ही हॉकी को लेकर भी लोगों में क्रेज है। हॉकी टीम में एमपी से कई हॉकी खिलाड़ियों ने अपना जौहर ओलंपिक में दिखा चुके हैं। इसी बीच महिला हॉकी टीम में भोपाल की रहने वाली गोलकीपर खुशबू खान एक उभरती महिला खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। भोपाल की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। भारत की महिला हॉकी अंडर 23 में जगह बनाने वाली गोलकीपर खुशबू खान का अपने जीवन में अब तक कई संघर्षों से नाता रहा है। खुशबू गोलकीपर है और उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता होगा। जितनी बड़ी हाइट खुशबू की है उतनी हाइट से छोटा उसका मकान है, जो कि आप ये देख सकते हैं राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद क्षेत्र में उसका जो मकान है वो बना हुआ है। तो खुशबू ने सात समंदर पार भी भारत का नाम रोशन किया है क्योंकि उसने हौसलों को आगे रखा है। वर्तमान में खुशबू बेंगलुरु में है जहाँ पर वो जूनियर भारतीय टीम का जो कैंप है वहाँ पर अभ्यास कर रही है। खुशबू खान जिसने भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। हॉकी के इस गोलकीपर खिलाड़ी ने भोपाल में एक गरीब परिवार में जन्म लिया। हॉकी खिलाड़ी खुशबू के पिता शब्बीर खान ऑटो चलाने के साथ साथ प्लम्बरिंग का काम भी करते हैं। खुशबू के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताएं, खुशबू देश का नाम रोशन कर रही है तमाम चीज़ें, क्या किसी प्रकार की सुविधा है उसको? कोई सुविधा मिली सरकार की तरफ से अभी तक? सर जैसा है वैसे ही आप देख ही रहे हैं। पहले भी आपने इंटरव्यू वगैरह लिए, लेकिन जैसा आपने पहले घर देखा था आज वैसे ही वैसा है। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है हम लोगों के लिए। फिलहाल खुशबू और उसका परिवार राजधानी के जहांगीरबाद इलाके में एक झुग्गी में गुजर बसर करता है। पिता शब्बीर खान की माने तो कोई भी सहायता सरकार की ओर से अब तक नहीं दी गई है। उनका कहना है कि सरकार चाहती तो खुशबू को एक छोटा सा मकान जरूर दे देती। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करती है जैसे वो, और उसके बावजूद भी यानी सरकार यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, देश के लिए नाम रोशन कर रही है। खुशबू की मां मुमताज खान एक गृहिणी हैं। उन्होंने कहा कि लगातार उनकी बेटी देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है, बावजूद इसके सरकार उसकी मेहनत और प्रतिभा को नजरअंदाज कर रही है। भोपाल की बेटी खुशबू खान गोलकीपर है। अच्छे से अच्छे खिलाड़ी जब उसके सामने होते हैं और जब खुशबू को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो वहाँ पर गोल दाग पाएंगे कि नहीं। बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात देने वाली खुशबू कहीं ना कहीं अपने हालातों पर मजबूर है। सरकार की किसी भी योजना का उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि घर वाले भी यही कहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो उसे एक छोटा सा मकान ज़रूर दे सकती है। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद परिवार का भी यही कहना है अपनी बेटी से कि वो खेले और भारत का नाम रोशन करे। मीडिया जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।